वो देखो भाई ट्रेन के आगे क्या आ गया, वो देखो बकरी। बाकी देखिए टोकन एक्सचेंज कैसे होता है इस लाइन पे। तो देखिए नीचे इधर से खाई है, तो खाई में कूद के जाना पड़ेगा भाई। देखो खाई में कूद के जाना पड़ेगा आपको। और दोस्तों ये देखिए कितना ऊंचा है जो कि चढ़ना पड़ रहा है। ये देखिए भाई, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये पूरी ट्रैक थी। एंड ये देखो ये पूरा, बाकी ये देखो आंटी कैसे भाग भाग के आ रही है। आंटी जल्दी आइए जल्दी। सो गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, एकदम गर्मी चल रही है, तो बहुत लोग वेकेशन पे जाएंगे, घूमने जाएंगे अपने बच्चों के साथ। तो इसलिए हमने सोचा आज आपको एक टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करवाते हैं, एक बहुत बढ़िया रेल रूट एक्सप्लोर करवाते हैं, जो अपना कांगड़ा वैली रेल लाइन 1928 में खोली गई थी ये लाइन पहली बार। स्टार्ट होती है भाई पंजाब के पठानकोट से, एंड इसका एंड होता है जोगिंदर नगर टर्मिनल पे। तो जैसे ही भाई हम पठानकोट आए ना, तो यहाँ पे जो हमारी टॉय ट्रेन है ये बंद पड़ी है, जो चक्की पुल है इसके आगे, तो वो टूट चुका है, तो इसलिए ये बंद पड़ी है। तो हमें तो इस बात का पता नहीं था। ये भैया इधर देखो, ये भैया ने हमें बताया कि भाई जो हमारी चक्की पुल है वो कब से टूटा है भैया। वो भैया 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गया ना, तो तब से ये बंद पड़ी है। तभी काम कुम चला है इसका? हाँ नहीं, अभी तो काम चल रहा है वहाँ पर। आई थिंक अभी 2-3 महीनों के बाद चलेगी है ना ये? नहीं ज़्यादा लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। कि यही था हमारी टॉय ट्रेन का हब पठानकोट जंक्शन। यहाँ पे दो रेल रूट मिल जाएंगे, एक अपना ब्रॉड गेज जो कि बड़ी लाइन है, और एक अपनी नैरो गेज जो कि ये छोटी लाइन है। बट हम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए, अब जो ट्रेनें पार चली गई होंगी वही चल रही हैं, इसलिए दो ट्रेनें ही चल रही हैं। तो जर्नी तो वही करेंगे क्योंकि घर से जर्नी करने के लिए आए हैं, और आपको भी अपसेट नहीं करेंगे। थैंक गॉड भैया का जिन्होंने हमें बता दिया कि नूरपुर रोड से ट्रेनें चल रही हैं, तो अभी नूरपुर रोड ही जाएंगे। एंड थैंक गॉड कि हम बाइक लेके आए हैं घर से यहाँ तक। मैंने सोचा था यहीं से करेंगे, लेकिन अब यहाँ से कर नहीं पाएंगे, तो चलो सीधा नूरपुर रोड पर मिलते हैं सीधा आपको, ठीक है? और साथ ही साथ बीच में जो ब्रिज टूटा है वो भी देख लेते हैं। सो भाई ये था पठानकोट जंक्शन के बाहर का व्यू। नूरपुर रोड यहाँ से 20 किलोमीटर है। चलो चलते हैं, अभी नूरपुर रोड पे चलते हैं, चलो। सो देखिए भाई निकल गए हैं हम पठानकोट से, एंड अभी जा रहे हैं नूरपुर की तरफ। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इस शॉप पे, स्पेशली भाई इतनी धूप हो रही है, और बाहर स्पेशली मैं इतनी मेहनत करके इस पुल के पास पहुँच चुका हूँ। और मैंने सोचा कि आपको पुल भी दिखा देते हैं कि पुल कहाँ से टूटा और कैसे टूटा है, सब स्टोरी आपको बताएंगे। भाई इतनी मेहनत लगती है ना सीरियसली, और फिर भी आप लोग भाई वीडियो को ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। यार इतना मतलब यूनिक और इतना रियल कंटेंट दिखाता हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं यार क्या चाहिए। बाकी अभी आपको दिखाते हैं पुल कैसे टूटा है और कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। ये देखिए ये सामने आपको ट्रैक दिख रहा है, अभी जाते हैं नीचे और नीचे से दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो देखिए नीचे इधर से खाई है, तो खाई में कूद के जाना पड़ेगा भाई। देखो खाई में कूद के जाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। देख कितनी गहरी खाई है भाई, और फिर भी यार आप ना वीडियो को लाइक करते हो ना शेयर करते हो, ठीक है? देखिए ये जंगलों के रास्ते हमें चढ़ना पड़ रहा है यार, स्पेशली क्या कर रहे हैं आपको पुल दिखाने के लिए कि पुल कैसे टूटा। आइया हाँ ठीक है, देखो मैं कैसे चढ़ रहा हूँ भाई। ये देखो ये क्या आ गया अपनी ट्रेन का ट्रैक, ठीक है? ये अपनी नैरो गेज यहाँ से पूरा सही है, लेकिन आगे से पूरा का पूरा जो ट्रैक है ये टूट गया। देखिए करो सारा ट्रैक, देखिए आगे टूट गया। देखिए ये पूरा बह गया भाई, पीछे देखिए ट्रैक आ रहा है, एंड यही पुल था। ये देखिए यही पुल था जो कि बह गया था, जिसकी वजह से हमारी नैरो गेज वाली ट्रेन
रद्द चल रही है। और दोस्तों ये देखिए कितना ऊंचा है ये, क्योंकि चढ़ना पड़ रहा है। नीचे देखिए खाई है। एंड अभी आगे से भी दिखाते हैं आपको पुल, ठीक है। बाकी वहाँ पे नीचे जो कंस्ट्रक्शन एरिया देख रहे हो, ये सारा कंस्ट्रक्शन एरिया है एंड पुल बन रहा है ये। थैंक गॉड हमारी इंडियन रेलवे का, जो कि हमारे लिए इतनी पैसा खर्च करके ये पुल बना रही है। पुल का हादसा आपको थोड़ा सा बता दूँ, अगर नहीं पता है, कुछ महीनों पहले यहाँ पे बाढ़ आया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चक्की पुल बह गया था। बाकी वो रोड वाला पुल है जो पार देख रहे हो, ये रोड वाला पुल है। ये भी डसने वाला मतलब बहने वाला था, लेकिन बह नहीं था ये। चलो अभी इधर से भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए भाई, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये पूरी ट्रैक थी। एंड ये देखो, ये पूरा टूट गया भाई पुल। देखिए ये भगवान, इसको देख के डर लगता है। देखिए पुल को, ये देखिए इधर से पूरा ये पड़ा हुआ है, लेकिन आगे देखो, ये देखो आगे गड्ढा है। तो चलो चलते हैं, अभी जर्नी करने आए हैं। तो जर्नी तो भाई करेंगे ना, कुछ भी हो जाए जर्नी तो हम नूरपुर से ही करेंगे अभी। तो भाई चलिए अब आगे से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा पुल आगे कैसे टूटा है, वो भी दिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या क्या सीन है यहाँ पे, कैसे पुल टूटा सब देखते हैं, कैसे काम चल रहा है वो सब आपको दिखाते हैं आप, ठीक है। बाकी रोड काफ़ी कच्चा है एंड कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई। देखिए पुल बना भैया, और ये देखिए ये पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है। देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, देखिए पुल का जोरों ठोरों से। ये देखिए यहाँ पे ये पुल पड़ गया है एंड अभी ये नीचे पिलरों पे खड़ा होगा पुल बन के। देखिए तो बस भाई यही दिखाना था आपको। ये देखिए इधर भी, ये देखिए ये पूरा दिख रहा है आपको, ये सारा पुल बन रहा है ये। सो फाइनली दोस्तों पठानकोट से बहुत मशक्कत के बाद हम आ चुके हैं नूरपुर रेलवे स्टेशन पे, और सामने देख रहे हो यहाँ पे आपको सेवा मिल रही है वही रेल की जो हम नहीं कर पा रहे थे पठानकोट से। बाकी ये हमने अपना बाइक यहाँ पे भी पार्क कर दी है, देखो। एंड ये लगी है हमारी ट्रेन, देखिए ये हमारी पूरी ट्रेन जिसमें हम आज जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले टिकट ले लेते हैं यहाँ से और पूछते हैं कि यहाँ से कहाँ तक ट्रेन जाती है। कहाँ तक जा रही है ट्रेन? बैजनाथ। उसके आगे नहीं जाती? नहीं। कितने रुपए टिकट है बैजनाथ की? 60 रुपये। दे दो। कितनी? दो दे दो। तो ये ले ली हमने टिकट जो कि 120 रुपये की पड़ी है दो बंदों के लिए। बाकी काका जा रहा है, और काके कैसा लग रहा है भाई? भाई बढ़िया लग रहा है। हाँ। तो दोस्तों समय हो रहा है 2:20 एंड ठीक 10 मिनट बाद हमारी ये जो टॉय ट्रेन है ये निकलने वाली है नूरपुर रोड से। बाकी इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये 2:20 पे नूरपुर रोड से निकलती है। 121 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रात को 8:20 पे आपको बैजनाथ पापरोला पहुंचाती है। और दोस्तों देखिए ये लगे हमारी ट्रेन के साथ लोकोमोटिव जो कि ZDM-4A का है, और दो ट्रेनें जाती हैं, एक जाती है सुबह 6 बजे और एक जाती है 2:30 पे, दो ही ट्रेनें जाती हैं। तो इसी से आज हम जाने वाले, जो इसकी नेम प्लेट है वो भी चेंज हो चुकी है बैजनाथ से नूरपुर, पहले यहाँ पे बैजनाथ से पठानकोट लिखा रहता था। बाकी काके को भेजते हैं अंदर सामान रखने के लिए, अंदर रख दे ठीक है, उधर टांग दूंग दे कहीं। बाकी नीचे दाल गिर गई है, देखिए ये दाल गिरी या क्या गिरा देखो। बाकी थोड़ा सा कोच इंटीरियर देख लेते हैं, तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट आपको 2x2 का ही मिलेगा एंड ऊपर आप लगेज रख सकते हो, और एक वॉशरूम मिल जाएगा एंड एक उस साइड वॉशरूम मिल जाएगा। बाकी गाइस ये दो देते हैं अभी, जो दाल गिराई है किसी ने, किसी ने दाल गिराई थी वो दो दी है भाई, देखिए एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया। बाकी दोस्तों 2:30 हो रहे हैं और अपनी जो ट्रेन है वो निकलने के लिए रेडी हो चुकी है भाई नूरपुर रोड से। देखिए बाकी ये देखो आंटी कैसे भाग भाग के आ रही है। आंटी जल्दी आइए, जल्दी बैठे अंदर। हाँ जाओ जाओ जाओ, बैठो बैठो। बाकी आंटी भागते हुए आई बहुत मुशक्कत के बाद। चलो तो बैठ गई आंटी सक्सेसफुली, है ना, अपनी ट्रेन रेडी हो गई भाई निकलने के लिए। देखिए ZDM-4A के लोकोमोटिव के साथ देखिए डिपार्ट लेती हुई हमारी, देखिए मेन लाइन पे आ गई अपनी टॉय ट्रेन।
और आज मेरे साथ जा रहा है काका। तो काके की ये फर्स्ट जर्नी है, इससे पहले काका गया तो टॉय ट्रेन में नहीं गया ना काके जी भाई। तो टॉय ट्रेन सही होती है ना दूसरी वाली भाई, इसका एक्सपीरियंस अलग ही है। हाँ तो यार ये काके ने सही कहा कि दोनों ट्रेनों में अपना अपना एक्सपीरियंस है ना, तो इसका एक्सपीरियंस अलग ही है। तो काके कैसा लग रहा है बाकी? भाई बहुत ऑसम लग रहा है यार, फर्स्ट टाइम टॉय ट्रेन में, अलग ही मजा आ रहा है यार। हाँ तो इससे पहले गए हो आप कभी? भाई टॉय ट्रेन में कभी नहीं गया भाई, फर्स्ट टाइम है आज। और भाई जो 2:30 बजे वाली ट्रेन है ना, इसमें आपको भीड़ मिलेगी अच्छी खासी, और जो सुबह वाली ट्रेन है ना उसमें आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी, मतलब ना के बराबर मिलेगी। देखिए और इस ट्रेन का अलग ही मजा है, देखिए बंदे कैसे लटक रहे हैं। इस ट्रेन की इतनी स्पीड नहीं होती है ना, तो इसलिए इतने सारे दोस्त लोग अपने लटक रहे हैं। देखिए क्या चाल है भाई इसकी, मुझे लगता है 10-15-20 की स्पीड पे ही चलती है ये, भागती है भाई। देखिए क्या चाल, देखो इसकी। दोस्तों नूरपुर रोड से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी टॉय ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे, तलाड़ा TLR, ये इसका स्टेशन कोड है। और एक मिनट का हॉल्ट है तलाड़ा। बाकी देखिए टोकन एक्सचेंज कैसे होता है इस लाइन पे, ये दादी जी लेकर आए हैं टोकन को। एंड देखिए और रात को यहाँ पे फ्लेम वाला सिस्टम होता होगा। चलो भाई 3:30 हो गए हैं और अभी तक 26 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर किया है इसने एक घंटे में, एंड पहुंच चुकी है जवाब वाला शहर जो कि इसका 5वां हॉल्ट है। JWLS इसका स्टेशन कोड है और 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी सही टाइम पे चल रही है, एक घंटे में 26 किलोमीटर ही चलती है ये, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है ना वो 35 किलोमीटर की है अपनी टॉय ट्रेन की। तो अपनी ट्रेन से जवाब वाला शहर से खल्ला देखो खल्ला आया नहीं आ रहा हूं। तो दोस्तों लगभग 4:30 हो रहे हैं और 42 किलोमीटर का डिस्टेंस ही अभी तक इसने कवर कर लिया और पहुंची है नगरोटा सूर्या। बाकी यहाँ पे जितने भी पैसेंजर थे ऑलमोस्ट प्यास से, इस ट्रेन में आपको ना कुछ खाने को मिलेगा और ना कुछ पीने के लिए मिलेगा। बाकी जितने भी लोग थे प्यास से वो यहाँ पे पानी पी रहे हैं उतर के, देख सकते हो आप। एंड ट्रेन का लोको पायलट वेट कर रहा है लोगों का पानी पीने का, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं मिलता भाई, कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस ट्रेन में। एंड पहले फिर भी इसमें बेचने के लिए आते थे, पठानकोट से चलते थे, जब से ये ट्रेन पठानकोट से बंद हुई है तब से तो इसमें आता ही नहीं है भाई कुछ भी। चलो पानी वानी यहीं से पी लेते हैं, यहाँ है कि नहीं है। हाँ ये देखो ये ठंडा पानी है, ऊपर लिखा है दिव्यांगों के लिए, आज मैं दिव्यांग बन जाता हूँ।
1928 में खोली गई थी ये लाइन पहली बार। हम देखिए नगरोटा सूरियों से डिपार्चर अपनी ट्रेन का। वो देखो भाई ट्रेन के आगे क्या आ गया, वो देखो बकरी। बाण गंगा। तो दोस्तों 5:20 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ज्वालामुखी रोड। और ये जो ज्वालामुखी रोड है ये इस ट्रेन का 13th हॉल्ट है नूरपुर रोड से। बाकी यहाँ से अगर आप ज्वाला जी जाना चाहते हो, चामुंडा जी जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। बाकी ज्वाला जी की यहाँ से डिस्टेंस है 21 किलोमीटर, मतलब यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। तो ज्वाला जी एक बहुत मतलब पवित्र श्राइन है, यहाँ पे अपने आप जोत जलती है पहाड़ों से, तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ज्वाला जी। मैं खुद नहीं गया अभी तक, बट ट्राई करेंगे कभी टाइम लगा तो ज्वाला जी ज़रूर जाएंगे। बट इसका स्टेशन कोड है JMKR और 2 मिनट का हॉल्ट है, राइट टाइम पे चल रही है। बाकी अभी कांगड़ा भी आने वाला है थोड़ी देर में, तो सीधा मिलते हैं अब आपको कांगड़ा में। इधर 20 किलोमीटर दूर है ज्वाला जी, नाम सुने 20 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है शाम के 6:00 और नूरपुर रोड से लगभग 75 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस टॉय ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है कांगड़ा। जी हाँ दोस्तों, कांगड़ा के नाम पे ही कांगड़ा वैली का निर्माण हुआ था। 1928 में किया था कैप्टन एर्नेस्ट करके एक अंग्रेज था, उसी का प्लान था ये इस रेल रूट को बनाने के लिए। और क्या आपको पता है ये इंडिया का सबसे लंबा नैरो गेज का ट्रैक है और वर्ल्ड का भी सबसे लंबा ट्रैक है अपना कांगड़ा वैली वाला, भाई बहुत प्राउड की बात है। बाकी ये जो रेल रूट है दोस्तों, ये 164 किलोमीटर लंबा रेल रूट है और इसमें 33 स्टेशन है और 950 ब्रिज भी मिल जाएंगे इस रेल रूट पे। देखिए अपना नैरो गेज रेल रूट, बट अभी ये खंडित हो गया है। क्यों खंडित हो गया? क्योंकि अपना जो चक्की पुल है वो टूट गया है। कांगड़ा से निकलती हुई हमारी टॉय ट्रेन, एंड काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन था अपना कांगड़ा। देखिए यहाँ पे एक पेड़ मिलेगा आपको, स्टेशन काफ़ी नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ था। धीरे धीरे छोड़ती हुई हमारी ट्रेन कांगड़ा रेलवे स्टेशन को, और सामने देखिए अपना सनसेट भी हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई सनसेट व्यू देखिए। और इधर अपनी ट्रेन देखिए। बाकी दोस्तों अभी आपको रिवर दिखाता हूँ, ये जो साइड में रिवर देख रहे हो अभी, ये वाली, ये इसके साइड में रिवर है, ये बाण गंगा रिवर है। और अभी काली मंदिर भी आने वाला है, काली माता का मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। नीचे नदी आ गई बाण गंगा, देखिए ये जो नदी है ना, ये बाण गंगा नदी है, काफ़ी ऊंची खड़ है भाई ये। और वो देखिए रोड कहाँ पे है भाई, कांगड़ा।
देखिए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अभी कांगड़ा मंदिर में। देखिए कांगड़ा मंदिर रेलवे स्टेशन है और लोग देखिए भाई बैग यहाँ से कैसे उठा रहे हैं। देखो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। और कांगड़ा का जो फेमस मंदिर है वो चामुंडा देवी का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है भाई। जैसे ज्वाला जी है वैसे चामुंडा जी भी हैं। बाकी ये सारे यात्री वहीं पे उतरे हैं, उसी मंदिर में जाने वाले हैं ये। और अभी जाके हमें सीट भी मिल चुकी है भाई। देखिए कांगड़ा मंदिर से निकलती हुई हमारी टॉय ट्रेन। देखिए बाकी देखिए अभी अपनी ट्रेन पहुंचे भाई नगरोटा। दोस्तों नूरपुर रोड से लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है नगरोटा, जो कि इसका 18वां हॉल्ट है नूरपुर रोड से। बाकी 20 मिनट लेट हो गई है ट्रेन, 6:36 पे टाइम था लेकिन 20 मिनट देरी से पहुंची अपनी ट्रेन नगरोटा। बाकी देखिए नगरोटा से भी निकल गई हमारी ट्रेन और भाई भूख से जान निकल रही है भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ना यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल रहा है। बालों की ऐसी तैसी हो गई है धूल मिट्टी से भाई, बुरा हाल हो गया सच में। अब जाके कहीं बैजनाथ पहुँचेंगे तो खाना खाएंगे भाई, ठीक है, तो बुरा हाल हो जाएगा यार अब। बाकी देखिए नगरोटा से डिपार्चर। और एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने आते हो तो प्लीज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए घर से ही लेके आएं, वरना आपकी जर्नी की ऐसी तैसी हो जाएगी। भाई देखो क्या गजब का हरा भरा, सब कुछ हरा भरा है ना, ठंड हो गई है ना भाई, फुल ठंड हो गई यार फुल। तो दोस्तों नूरपुर रोड से 92 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी टॉय ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है चामुंडा मार्ग में। और अगर आप जाना चाहते हो चामुंडा देवी मंदिर तो यहां से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास चामुंडा देवी मंदिर भी आपको पड़ जाएगा। और भाई सही में मस्त व्यू है कांगड़ा के बाद, एकदम ऑसम व्यू भाई। देखिए चामुंडा मार्ग से भी निकल गए हम। तो भाई देखिए रात के 7:45 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पालमपुर हिमाचल में। ये हमारा पालमपुर हिमाचल भाई, हमने अपनी टॉय ट्रेन को छोड़ दी है पालमपुर हिमाचल में ही। एंड काफ़ी प्यारी जर्नी थी, अंधेरा हो चुका था तो हमने सोचा अब आगे क्या मतलब जाने का बनता है, क्योंकि अंधेरे में ना कोई व्यू दिख रहा था, बट जितना भी व्यू देखा भाई बहुत ज़्यादा गजब का लगा। बाकी देखिए पालमपुर हिमाचल में पहुंच चुके हैं हम लोग। ये जो पालमपुर है ना, यहाँ से जो बस स्टैंड है वो 5 किलोमीटर के आसपास है। इनके ढाबे पे 80 रुपये की प्लेट है, कुछ भी खाओ, मतलब 80 रुपये में कुछ भी खाओ ये बोल रहे हैं। दोस्तों सारी चीज़ें पिंड कमेंट में हैं, जाओ वहाँ पे जाके साइन अप करो और मेरा कूपन कोड यूज़ करो और पाओ 34,000 रुपये का बोनस। और हाँ साथ ही साथ आप प्लेटिना 110 भी जीत सकते हो, तो जाओ एंड साइन अप करो। तो ये आ गई हमारी थाली। काके कैसी है रखा ना? अभी खाना देखते हैं काके कैसी है। हाँ बाकी दोस्तों जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं भाई, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। हाँ अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी बहुत ही प्यारी जर्नी है, बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी है, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है।